हेलो गाइस, तो वेलकम करता हूँ आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एनएफटी के बारे में कि एनएफटी आपने कैसे परचेज करनी है, क्या वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको नोटिस करने चाहिए कोई भी एनएफटी परचेज करने से पहले। तो एनएफटी क्या है इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला, एक्चुअली एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप जाके एनएफटी की प्लेलिस्ट में वो पहली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि एनएफटी क्या है। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि एनएफटी कैसे परचेज करनी है, कहाँ से परचेज की जा सकती है और क्या वो फैक्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट जिसको हमेशा आपको देखना चाहिए कोई भी एनएफटी परचेज करने से पहले। तो चलिए आई गाइस, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, बेसिकली एनएफटी जो है वो एक प्रोजेक्ट होता है और उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस एनएफटी की ओनरशिप आपको मिल जाए। तो जिस तरह रियल वर्ल्ड में आप कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आंखें बंद करके तो आप इन्वेस्ट नहीं करते थे, आप चेक करते हैं ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है, ये प्रोजेक्ट कितने पहले बना है, कब तक कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है, कौन कौन फाउंडर्स हैं इसके, तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले, इन्वेस्टमेंट डालने से पहले। तो इसी तरह एनएफटी में भी आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक टर्मिनोलॉजी बनाई है जिसको अगर आप याद रखें तो कोई भी एनएफटी परचेज करने से पहले इसको आप ज़रूर देख लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसको देखने के लिए। अगर आप इसमें से कोई भी डिटेल मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आप एक गलत एनएफटी प्रोजेक्ट में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दें और आपके पैसे डूब सकते हैं। तो पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई मैं इसमें फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और वो टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जो आपने याद रखनी है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डालने से पहले। तो गाइज, सबसे पहले आप ये वर्ड जो स्क्रीन पे आ रहा है इसको याद रख लें, फैब्रिक। फैब्रिक को मैं अब आगे जो है वो इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये फैब्रिक बेसिकली क्या है और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि फैब्रिक से एक्चुअली बनता क्या है और ये कैसे आपको हेल्प करेगा किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट में जाने से पहले। तो गाइज, फैब्रिक की डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप एनएफटी जो है वो परचेज कर सकते हैं। नंबर वन प्लेटफॉर्म तो वही होता है जो भी एनएफटी है उनकी अपनी वेबसाइट से आप उस एनएफटी को परचेज कर सकते हैं, वो सबसे सेफ और ऑथराइज प्लेटफॉर्म होता है। नंबर टू प्लेटफॉर्म है जो आते हैं आफ्टर मार्केट, जिसको हम मार्केट प्लेस भी कहते हैं, जिसमें काफ़ी सारी मार्केट प्लेस आ जाती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तीन वेबसाइट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। नंबर वन है ओपनसी, ठीक है, नंबर टू है रेरेबल और नंबर थ्री है बाइनेंस मार्केट प्लेस। तो गाइज, ये टॉप की मार्केट प्लेसेज हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं लेकिन ये टॉप थ्री मार्केट प्लेसेज हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो वर्ल्ड वाइड सेलर्स और बायर्स एनएफटी के यूज़ करते हैं, तो आप भी इन्हीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने एनएफटी को परचेज करने से पहले, मैं ओपनसी की आपको एग्जाम्पल देता हूँ और उसी से आपको समझाता हूँ कि ये फैब्रिक को आप कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो गाइज, फैब्रिक के एफ से निकला है बेसिकली फाउंडर। तो कोई भी प्रोजेक्ट देखने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आपने उसका फाउंडर देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी स्क्रीन पर आइए और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम उसके फाउंडर को देखेंगे, ठीक है गाइज। तो हम चले जाते हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है रेरिटी टूल्स। गाइज, ये एक वेबसाइट है जिस पे आप देख रहे हैं कि इस पे सारे अपकमिंग एनएफटी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में जौन से भी प्रोजेक्ट एनएफटी के आने हैं वो सारे यहाँ पर आते रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, इस वेबसाइट से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये है चिम क्लब और यहाँ पर इसकी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये देखें, ये इसका आर्टवर्क कैसा होगा, ये इसके जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इसकी वेबसाइट, इसका ट्विटर, इसका डिस्कॉर्ड, ठीक है, ये कैसा होगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप ये तीनों चीज़ें ज़रूर उसकी चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी प्राइस देख सकते हैं कि ये 0.05 इथेरियम का है, 10,000 इसके टोटल हैं। सेल कब शुरू होगी, 8 PM टुडे, आज 8 PM को इसकी सेल शुरू होने वाली है। तो मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया कि आपने वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपने वेबसाइट पर जाना है पहले और वेबसाइट पर आके आपने देखना है कि इसके फाउंडर्स कौन हैं। तो आपको यूजुअली जो फाउंडर्स पता चलेंगे वो वेबसाइट से पता चल जाएंगे। तो आप वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर आप आके देखेंगे तो गाइज़, यहाँ पर जैसे इन्होंने कोई भी फाउंडर की डिटेल नहीं डाली हुई। तो अगर आपको फाउंडर की डिटेल्स नहीं मिले प्रोजेक्ट के बारे में तो गाइज़, मैं कहूँगा कि उस प्रोजेक्ट पे आप नहीं इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है।
आपको प्रोजेक्ट के फाउंडर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हो सकता है वेबसाइट पे ना हो, 99% जो है वो वेबसाइट पे उसके फाउंडर्स मेंशन होते हैं, लेकिन अगर ना हो तो आप जो है वो ट्विटर अकाउंट पे, जैसे अब ये इनका ट्विटर अकाउंट है, आप ट्विटर पर आके इनके फाउंडर्स देख सकते हैं, और यहाँ पर डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड पे आप फाउंडर्स देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं किसी और एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि फाउंडर्स का आपको कैसे पता चलेगा किसी भी प्रोजेक्ट के। तो जैसे अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर आते हैं हम इनकी वेबसाइट पर, और यहाँ से ये देखें गाइज, यहाँ पर ये टीम मेंशन हुई हुई है, और ये टीम के जो हैं वो फाउंडर्स हैं, ठीक है। तो जो टीम ही वेबसाइट के ऊपर मेंशन हुई हुई होती है वही उनके फाउंडर्स होते हैं, और यूजुअली फाउंडर्स के लिंक्स भी दिए हुए होते हैं, ठीक है, ताकि आप उन फाउंडर्स को चेक कर सकें कि इनकी क्या फॉलोइंग है, ठीक है। और आपने कैसे वैलिडेट करना होता है, इनकी प्रोफाइल को आप पूरा स्कैन करें कि क्या, किन चीज़ों में इनके फाउंडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं, क्या बैकग्राउंड में इन्होंने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, कितने फॉलोवर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली चेक करनी है। अब आप यहाँ देखें कितने पुराने हैं बेसिकली ये फाउंडर्स इनके। तो अगर आप इस वेबसाइट, इस फॉलोवर को देखें तो इन्होंने ज्वाइन किया अप्रैल 2021 में, जो कि इतने पुराने नहीं हैं इनके फाउंडर। और आप इनके फॉलोवर्स भी देख सकते हैं कि फॉलोवर्स बहुत कम हैं। और अगर इनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम देखें तो गाइज मीडियोकर है, ठीक है। इन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह की हुई हैं, और इनके पास कुछ इंगेजमेंट्स भी आ रही हैं, कमेंट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेसफुल फाउंडर्स की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि अगर फाउंडर किसी भी प्रोजेक्ट के अच्छे होते हैं तो आप ये समझ लें कि 70% उसका इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने में। और अगर उसके फाउंडर्स ही बेकार हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि वो अच्छा चल जाए, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। तो गाइज ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है। अब जैसे यहाँ पर हम इसके फाउंडर्स देख रहे हैं, तो फाउंडर्स हल्के लग रहे हैं, इतने ज़्यादा हैवी नहीं लग रहे। तो ऐसे प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि NFT भी एक नई चीज़ है, और मैं नए फाउंडर्स के ऊपर इन्वेस्ट करके अपने पैसे जो है वो नहीं करूँगा। लेकिन मैंने अभी सिर्फ एक फाउंडर को देखा है, सेकंड फाउंडर भी मैं देख लेता हूँ जिनका Shutterstock पे अकाउंट है, और ये मैं देख सकता हूँ कि Shutterstock पे कितना पुराना अकाउंट है और क्या क्या इन्होंने आर्टवर्क बनाए हुए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने काफ़ी आर्टवर्क अपना Shutterstock पे डाला हुआ है। लेकिन अगेन इनका क्या एक्सपीरियंस है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, क्या इनकी प्रेजेंस है, क्या इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को ही देखें जिसके फाउंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो गाइज अब मूव करते हैं हम सेकंड चीज़ की तरफ, जो है ए से आता है आर्टवर्क। तो गाइज जो भी प्रोजेक्ट है उसका आर्टवर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टवर्क का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें आपने देखना है कि आर्टवर्क अच्छा है या नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे क्रिप्टो पंक्स, जो कि आर्टवर्क उनका बहुत ही एवरेज सा है, लेकिन वो चल गया। वो क्यों चला? क्योंकि फाउंडर्स उसके स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है गाइस। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि जो मैं चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ, इन सब का इम्पैक्ट है उसके ऊपर। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी एक चीज़ आप उठा लें इसमें से और फिर उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर दें, नहीं। जो फैब्रिक मैंने कंप्लीट टर्म बताई है इसीलिए है कि इस कम्प्लीटली देखना ज़रूरी है। तो अब आप इसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टवर्क्स हैं, और आपने आर्टवर्क देखना है कि किसका अच्छा आर्टवर्क है, ठीक है, क्या चीज़ एक्चुअली ऐसी है जो आपको अपील कर रही है। देखें, अगर एक चीज़ अच्छी है तो वो सबको अच्छी लगेगी, और एक चीज़ अगर बुरी है तो वो सबको बुरी ही लगेगी, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये जज करना है कि क्या ये जो आर्टवर्क है वो इतना अच्छा है कि ये इस पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या वो इतना हाई क्वालिटी आर्टवर्क है या इतना अपीलिंग आर्टवर्क है कि जो अच्छा लग रहा है। अब जैसे मैं इस आर्टवर्क की बात करूं तो ये एक बहुत अच्छा आर्टवर्क मुझे लग रहा है, ठीक है। और इसको आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक आर्टवर्क अच्छा है या बुरा है, ठीक है। आप किसी को भी ये आर्टवर्क दिखाएंगे, वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये आर्टवर्क तो अच्छा है, ठीक है। तो गाइज अब जैसे ये एक आर्टवर्क देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो
मैं अभी सिर्फ पर्टिकुलरली आर्टवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा इनके फाउंडर्स कौन है, हो सकता है बहुत ह्यूज फाउंडर्स हों इनके, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्टवर्क की बात करूँ तो मुझे इस टाइप का आर्टवर्क जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर फाउंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ। लेकिन अगर मैं आर्टवर्क की बात करूँ तो मुझे इतना मज़े का नहीं लग रहा ये आर्टवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने आर्टवर्क भी देखना है कि वो आर्टवर्क भी बहुत अट्रैक्टिव हो, अच्छा हो, ठीक है, और उसी की ही फिर डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे अभी बहुत हाइप पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है हे बीस्ट, ठीक है। मैं सिर्फ आपको उसका आर्टवर्क दिखाता हूँ और आप आर्टवर्क इस वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, और जब आप इसका आर्टवर्क देखेंगे आप खुद बोलेंगे कि क्या आर्टवर्क है बॉस। तो आप ये देख सकते हैं इस वेबसाइट पे, और ये NFTs हैं, ये कैरेक्टर्स हैं इसके। आप बस चेक करें कि आर्टवर्क है कैसा, ठीक है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अच्छा आर्टवर्क की, अच्छा आर्टवर्क जो है वो खुद मुँह से बोलता है कि हाँ भाई ये कुछ आर्टवर्क है, ये कुछ चीज़ है नोटिस करने वाली, ठीक है। इट गेट्स योर अटेंशन 100%, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो गाइज ये चीज़ें हैं, ये आप आर्टवर्क देखें तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है कि आर्टवर्क कैसा है, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मूव करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लॉकचेन। गाइज ब्लॉकचेन अब आपने देखना है, क्योंकि ये जितने भी NFTs हैं ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर आती हैं, और मोस्टली जो ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है अभी वो इथेरियम यूज़ हो रही है। इथेरियम के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे पॉलीगॉन है, मेटिक है, सोलाना है, ये सारे ब्लॉकचेन यूज़ हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी ऊपर आते जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन है वो है इथेरियम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई NFT परचेज करने जाते हैं तो अगर आप इथेरियम पे परचेज करेंगे तो आप उसको क्विकली सेल भी कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड भी है अभी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन जिसमें सोलाना है और पॉलीगॉन है, इसकी डिमांड अभी बहुत कम है। तो हो सकता है अगर आप इन ब्लॉकचेन के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आपको हो सकता है रिटर्न थोड़ा देर से मिले, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े अपनी चीज़ों को, अपनी NFTs को सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी NFT पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसको क्विकली फ्लिप कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी उसकी बहुत जल्दी हो सकती है। लिक्विडिटी का मतलब है कैश। तो इथेरियम पे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो कैश पड़ा हुआ है, एनी टाइम उसको आप बेच सकते हैं और अपने पैसे जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसलिए ब्लॉकचेन भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ये NFTs मेच्योर होती जाएंगी तो बाकी ब्लॉकचेन्स भी आते रहेंगे, लेकिन इथेरियम अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है। तो इसीलिए जब आप कोई भी प्रोजेक्ट देखें तो उसको चेक करें कि वो किस ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। तो यहीं इसी वेबसाइट के ऊपर आप यहां से देख सकते हैं कि किस ब्लॉकचेन के ऊपर, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 1AVAX 45 मेटिक, तो ये ब्लॉकचेन्स है, ये मेटिक के ऊपर है, ये सोलाना के ऊपर है और ये इथेरियम के ऊपर है। तो गाइज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इथेरियम सबसे पॉपुलर है तो आप इथेरियम के प्रोजेक्ट पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न के चांसेस ज़्यादा जल्दी हैं। गाइज अब आते हैं हम इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें आता है रोड मैप। बेसिकली रोड मैप होता है कि जो भी कंपनी NFT लॉन्च करती है वो एक रोड मैप बताती है कि हम इस NFT के साथ क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो ये रोड मैप जो है वो यूजुअली इनकी वेबसाइट पर होता है, और ये वेबसाइट पर बता रहे होते हैं कि हमने क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है फार्मर्स ऑफ AVAX, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड मैप मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या रोड मैप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बता रहे हैं, इन्होंने क्या अचीव करना है, क्या रोड मैप है। तो आप ये देखें, इसको आपने पढ़ना ज़रूरी है, और आप देखें ये क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा, या एक ये फजूल सी इन्होंने बस बातें लिखी हुई हैं, कोई ख़ास रोड मैप नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग रोड मैप इन्होंने रोड मैप बनाया हुआ है, या एक्चुअली कुछ इम्प्लीमेंट होगा, या सोसाइटी में ये कुछ डिलीवर करेंगे, कोई इम्पैक्ट लाएंगे, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है 25% मिंटेड, जिसमें लिखा हुआ है गिव अवे ऑफ 10 फार्मर्स टू लकी ओनर्स। ओके, ये फर्स्ट माइलस्टोन है इसका। सेकंड पे 50% मिंटेड। मिंटेड का मतलब है कि कितनी NFTs लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है, सिंपल वर्डिंग्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गिव अवे ऑफ फार्मर्स एंड सो AVAX टू लकी विनर्स। 50% मिंटिंग के बाद भी ये गिव अवे देंगे फार्मर्स को, और फिर उसके बाद 75% पे मेजर NFT मार्केट प्लेस लिस्टिंग
और 100% पे सीक्रेट न्यू प्रोजेक्ट रिवील। तो अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, एक जो मैंने बताया कि सिर्फ रोड मैप बनाया फॉर द सेक ऑफ मेकिंग रोड मैप, ये परफेक्ट एग्जांपल है उसकी, कि कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ इन्होंने ये NFT बनाई है। इसका मेन मकसद जो मुझे समझ आ रहा है कि सिर्फ NFT बेचना है। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी को क्या डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके रोड मैप पे। हो सकता है बाद में जाके रोड मैप जो है रिवैम्प हो जाए, लेकिन जब आपको इनिशियली एक प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव नहीं है तो बाद में आप उस पर कैसे बिलीव कर सकते हो कि इन फ्यूचर इसका रोड मैप बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनानी है, अभी तो उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी है, तो अभी अगर स्ट्रॉन्ग रोड मैप नहीं होगा तो चीज़ें कैसे बिकेंगी। ठीक है, तो मुझे ये रोड मैप इस प्रोजेक्ट का बहुत हल्का लगा है, तो इसीलिए मैं ऐसे रोड मैप के ऊपर, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो रोड मैप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोगों ने भी परचेज़ करने से पहले अच्छे रोड मैप्स देखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें है आई। आई का मतलब है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का ताल्लुक भी जो है वो रोड मैप के अंदर से ही है कि NFT की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये मार्केट में इम्पैक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या यूटिलिटीज़ ये दे रहे हैं, क्या जो NFT है वो खाली एक आर्टवर्क है या उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है, या फॉर एग्जांपल वो कोई गेम क्रिएट कर रहे हैं या कोई ऐसी डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका सोसाइटी में भी कोई इम्पैक्ट हो, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, वो उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। एक प्रोजेक्ट है जिसकी मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे मेटा बिलियनेयर है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जो है ना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, जो कि आप देख रहे हैं कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो फौरन सोल्ड आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रहा है। ठीक है, और इनका आप रोड मैप देखें कि कितना इम्पॉर्टेंट रोड मैप है और क्या इन्होंने इम्पोर्टेंस क्रिएट किया है कि ये साथ दे रहे हैं उन लोगों का जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मिलियनर्स बिलियनर्स बनना चाहते हैं, जो सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ये थ्रू देयर प्रोजेक्ट ये उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उनको कैपिटल देंगे कि वो बिजनेस कर सकें और वो स्टैंड कर सकें। और ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर को नहीं, ये कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो इस तरह से अपॉर्चुनिटी देंगे कि ये उनका जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च करना चाह रहे हैं उनके प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, एक फ़ंड क्रिएशन पूल बनेगा जिसके अंदर जितने भी NFT के जो होल्डर्स होंगे, ठीक है, उन सब की इन्वेस्टमेंट्स होंगी और उस इन्वेस्टमेंट से जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आएंगे और उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बना सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो रहा है ओवरऑल एक कम्युनिटी को, ये एक इम्पॉर्टेंस क्रिएट हो रही है इस कम्युनिटी की। अब इस NFT के ज़रिए इन्होंने ऐसी इम्पॉर्टेंस क्रिएट कर दी है कि हर बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, और ये एक नेसेसिटी बन जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए जो बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो इस तरह आपने देखना है कि वो NFT प्रोजेक्ट जो है वो क्या इम्पोर्टेंस ला रहा है, क्या वो बस एक फजूल एक आर्टवर्क की पोस्ट कर रहा है या कुछ और क्रिएटिविटी ला रहा है अपनी NFTs के थ्रू। तो ये आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर चेक करना है। लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है कम्युनिटी। गाइस, कम्युनिटी का मतलब क्या है कि कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिटी दो तीन तरह की होती हैं। अब कम्युनिटी जैसे फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, ये इनकी कम्युनिटी, सोशल मीडिया कम्युनिटी कैसी है, ठीक है, ये आपने चीज़ें चेक करनी है। अब किसी भी चैनल, किसी भी NFT की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर होती है ट्विटर पे और डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, तो आपने डिस्कॉर्ड पे और ट्विटर पे जाके देखना है कि इनकी कम्युनिटी कैसी है, क्या ये हेल्पफुल हैं, कैसे लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, क्या वो अपने आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, क्या वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंडली हैं और कैसा एनवायरनमेंट है। तो ये आप जाके उनके डिस्कॉर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी वेबसाइट पे ये उनका डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, उनके डिस्कॉर्ड का लिंक ज़रूर दिया हुआ होता है, या तो आप इसी पे आएंगे, इसी वेबसाइट पे रेरिटी टूल्स पे, तो यहाँ इनके डिस्कॉर्ड का ज़रूर लिंक दिया हुआ होता है, आप इनके डिस्कॉर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं कि इनकी कम्युनिटी कैसी है। ठीक है, और इनसे बात करके देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं कि ट्विटर पे कम्युनिटी कैसी है। तो आप यहीं से इनके ट्विटर के चैनल पर चले जाएं और यहाँ से आप इनके ट्विटर पेज भी देख सकते हैं कि कैसी कम्युनिटी है, क्या लोग इंगेज कर रहे हैं, कितनी बड़ी कम्युनिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक तो कम्युनिटी का मतलब होता है ये, दूसरा कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो उस पे आपने ये देखनी है कि इनकी जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है ये ज़्यादा हो, इसको भी कम्युनिटी कहा जाता है। और इस तरह के जो कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 8888 टोटल इस आर्टवर्क के वर्जन्स होंगे, तो ये भी एक कम्युनिटी है। ये 4444 है, ये भी एक कम्युनिटी है। और इसी तरह 5500, ये भी एक कम्युनिटी है। तो इतने ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए, एक बड़ी कम्युनिटी होनी चाहिए, वो वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिसमें सिर्फ 100, 500 या 5 या 10 हों, वो प्रोजेक्ट जो हैं वो कम्युनिटी उनकी शॉर्ट होती है, तो वो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, या तो वो किसी ऐसी पर्सनैलिटी, किसी ऐसे फाउंडर के प्रोजेक्ट हों जो कि बहुत रिनोन फाउंडर है। फॉर एग्जांपल गैरी वी, अगर गैरी वी की आप वेबसाइट पे जाएं और मैं आपको उनकी NFTs दिखाऊं जो कि एक कम्युनिटी नहीं है, लेकिन वो उनका नाम इतना है, गैरी वी का नाम इतना है, वो फाउंडर हैं इस प्रोजेक्ट के, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा करोड़ों में वो NFTs हैं, लेकिन वो आर्टवर्क इंतहाई घटिया है। और वो जो भी चीज़ें, कम्युनिटी भी नहीं है, आर्टवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है फाउंडर, और वो फाउंडर इतना हैवी है कि उसी की बेस पर उसकी NFT की जो प्राइसेस हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा चुकी हैं। ठीक है, तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये 18 इथेरियम का, 9 इथेरियम का, और इसकी प्राइस यहाँ पे आप इन डॉलर्स देख सकते हैं, $41,000, $77,000। और सिर्फ आप ये आर्टवर्क चेक करें जो कि गैरी वी साहब ने खुद अपने हाथ से बनाए हुए हैं और उनको लॉन्च किया हुआ है, इसीलिए इसकी वैल्यू इतनी है। ये सिर्फ फाउंडर के ऊपर इसकी इतनी वैल्यू है, वरना ये प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं, मतलब किसी काम का तो नहीं, आप इसे प्रॉफिट तो बहुत कमा सकते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट को ख़रीद लें तो। लेकिन जब मैं इस आर्टवर्क को देखूं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं इस आर्टवर्क को लूं। तो इसीलिए ये सिर्फ फाउंडर की बेस पर चल रहा है। तो ऐसे ही है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट का कोई फाउंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो प्रोजेक्ट को उठा देगा, फाउंडर हल्का है प्रोजेक्ट भी बैठ जाएगा, चाहे आर्टवर्क जितना भी अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई फैब्रिक की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये कभी भी आपने चेक करने से पहले, कोई भी NFT परचेज करने से पहले आपने इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की हो आपके NFT प्रोजेक्ट को बाय करने में, तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी, शेयर भी और कमेंट भी करना है इस पे। और मुझे बताना है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो कि क्लियर नहीं हो सके तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा, ताकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना सकूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।